अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं कहता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं अगेन आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आज आपको सुजुकी अवी के इंजन का दोबारा से रिव्यू दूंगा और साथ में गेट्स की थोड़ी सी मैं डिटेल आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, क्योंकि इसमें जो ऑप्शंस आते हैं वो मैं आपको क्लियर करता चलूँगा और दूसरा मैं आपको इसकी कंडीशन वगैरह दिखाऊँगा, ठीक है। तो बाकी असम्बली और कम्प्लीट इंजन जो होते हैं वो दोनों मैं आज चीज़ें आपको दिखाऊँगा, ऑप्शन दोनों तरह की आपको दूँगा। तो चलें लेट्स सी, देखते हैं वीडियो जी। तो ये सुजुकी एवरी का इंजन है, ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रॉनिक। ये दरअसल जो आपको बताते चलूँगी, जो इलेक्ट्रॉनिक इंजन होता है ना, इसमें मैनुअल और ऑटो दोनों गियर इसमें होते हैं ऑप्शंस, ठीक है। आप मैनुअल चलाना चाहें मैनुअल भी चला सकते हैं, अगर ऑटो चलाना चाहते हैं तो इसमें आप ऑटो भी चला सकते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट इंजन पड़ा होगा, ठीक है। एक इसमें CVTi आता है, जो CVTi होता है ना वो होता है ऑटो, ठीक है। ये देखें, ये इंजन है, ये हेड इसका मैं आपको दिखा रहा हूँ, और ये कंप्लीट इंजन इसका पड़ा होगा यहाँ पे, ठीक है। कंप्रेसर, जनरेटर, उसके बाद ग्रिप टू ग्रिप पूरी इसकी वायरिंग होगी, पाइपिंग बिल्कुल ओके होगी इसकी, ठीक है। ये आप सारा चेक कर सकते हैं, कंप्लीट मैं सेटअप आपको दिखा रहा हूँ। और ये इसकी मेरे हाल से ब्रेक ऑयल है, ये गेयर ऑयल है, गेयर ऑयल, हाँ मोटर ऑयल इसका, ठीक है। ये इसकी मोटर है, ठीक है, ये इसका ऑयल है। और बाकी देखें कंडीशन वाइज बिल्कुल साफ़ सुथरा, ठीक है। और ये लेटेस्ट मॉडल्स में आया था, ये तकरीबन 2015 से लेके अब तक जो है ना वो गियर ये वाला आ रहा है गाड़ी में, ठीक है। और अभी फ़िलहाल इसकी ऊपर से डस्ट वगैरह आई हुई है, ठीक है। बाकी इंजन साफ़ सुथरा इंशाल्लाह ताला होगा, क्योंकि ये इंजन जो है ये ऊपर नीचे रखे जाते हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी सी ना कार्बन इनके ऊपर आ जाता है। बाकी कहीं से कोई सील वगैरह इसकी लीक नहीं, आप देख सकते हैं, ठीक है। जब साफ होगा इंशाल्लाह ताला इंजन बिल्कुल नया निकलेगा, ठीक है। बाकी ओवरऑल इंजन बहुत अच्छी कंडीशन के अंदर है, ठीक है। ये ओवरऑल मैं आपको कंडीशन इसकी दिखा देता हूँ, ये ओवरऑल कंडीशन है, ठीक है। ये देख, और जो CVT गियर मैंने आपको बताया ना, उसका ये मैं आपको एक व्यू दे देता हूँ। ये CVT गियर है, ठीक है। ये होता है ऑटो, जस्ट ऑटो, नो मैनुअल, और ये भी बिल्कुल साफ सुथरा इंजन है, ग्रिप टू ग्रिप है। और इसके हेड की मैं आपको एक राउंड करवा देता हूँ, हेड सेम होता है, ठीक है। बाकी डिपेंड इनकी कंडीशंस पे करता है। और दूसरा अगर एवरेज की बात करें तो इनकी ये जो कैटलक होती है ना, इस पे भी बड़ा ये डिपेंड करता है कि ओरिजिनल कैटलक और जो दूसरे आप लेके लगाते हैं उनकी, और ओरिजिनल की जो इसकी होती है ना एवरेज, उसमें बड़ा फ़र्क आ जाता है, ठीक है। ये मैं फ़िलहाल अभी आपको दिखा रहा हूँ ऑटो गियर के साथ जो CVT है, और ये मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक दिखाया है जो दोनों ऑप्शंस के साथ होता है, मैनुअल ऑटो दोनों ऑप्शंस के साथ होता है, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा ऑप्शन आपके पास होगी, अगर आपको इसकी हाली असम्बली चाहिए वो भी मिल जाएगी, इसकी असम्बली चाहिए वो भी मिल जाएगी, अगर एक कंप्लीट इंजन चाहिए तो कंप्लीट इंजन भी आपको दोनों मिल जाएंगे, ये वाला भी ऑटो भी, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक भी, और ये ऑटो वाला भी, इनमें आपको दोनों में दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे कंप्लीट और असम्बली के, ठीक है जी। जी तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके साथ जो बेल आइकन है इसे लाजमी प्रेस कीजिएगा, ताकि नए आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम से आपको मिल सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।